हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें रिम जिम और उसमें चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बुलबुल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर नाइन बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज से बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी बुलबुल देखी है? देखिए, बुलबुल यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही ऐसी होती है, ये चिड़िया होती है ना, उसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? लाल कलर की होती है, रेड। यानी कि जो बुलबुल होती है उसकी जो पूंछ, अगर जो चिड़िया होती है उसकी पूंछ अगर कैसी हो, लाल आपको दिखे, तो वो कैसी बुलबुल है, वो कैसी चिड़िया है? बुलबुल है। देखिए, बुलबुल यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वो उड़ता है, यानी कि जब वो उड़ता है तो पूंछ का सिरा, ये पीछे का पूंछ का सिरा होता है, वो ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और उसका जो सिरा होता है पीछे का, उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और शरीर का रंग काला होता है। शरीर कैसा होता है? भूरा और काला होता है। यानी कि पूंछ का सिरा होता है वो सफ़ेद होता है और बाकी का जो शरीर है भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखिए, यहाँ पे पिक्चर में हम सिर देख रहे हैं, सिर कैसा है? हमारा काला है और दूसरा रंग भूरा है। यहाँ पे सिरा कैसा है? वो सफ़ेद है। ये बुलबुल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बुलबुल दिखाई दे रही होगी। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, काले रंग की कलगी वाला ये बुलबुल आपको ये दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं। यानी बुलबुल की आवाज़ होती है फ्रेंड्स, वो ऊंची होती है, ऊंचा बोलते हैं। बुलबुल लोगों से डरती नहीं है और बुलबुल है वो, उसके कई ऐसी बुलबुल होती है जिसकी काले रंग की ऊपर कलगी होती है। देखिए, यहाँ पे काले रंग की ये कलगी है, तो एक ऐसी बुलबुल हुई, ये सिपाही बुलबुल हुई। किससे कैसी बुलबुल कहते हैं? इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। जिसके माथे पर कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। नीचे फ्रेंड, यहाँ पे दूसरे बुलबुल भी आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। तो फ्रेंड्स, बुलबुल है वो क्या खाती है? बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। याद रखिएगा, बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर बुलबुल खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। फिर सब्जी और फल भी खाती है, वो कीड़े भी खाती है, फल भी खाती है, सब्जी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। यानी अमरूद का बगीचा अगर मिले या फिर मटर का खेत मिले तो बुलबुल है वहाँ से ज़ोर से क्या हमला करती है, क्योंकि वो उसे पसंद है। अमरूद और जो मटर है बुलबुल को पसंद है। देखिए, बुलबुल यहाँ पर आपको दिख रही है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, बुलबुल का जो घोंसला होता है वो घोंसला कैसा बना होता है? सूखी घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनता है, बुनती है वो। और घोंसले का एक सुंदर कैसा हो जाता है? कटोरे जैसा हो जाता है फ्रेंड्स। कटोरा कैसा होता है? हमारा ऐसा कटोरा होता है ना, ऐसा घोंसला उसका हो जाता है पेड़ पर। जैसे यहाँ पे पेड़ है एग्जाम्पल, तो है उसका घोंसला ऐसा हो जाता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, अंडे वो 2-3 ही देती है बुलबुल, और वो कैसे रंग के होते हैं? तो हल्के गुलाबी रंग के अंडे होते हैं।
और उन्हें ध्यान से देखो तो उसमें क्या होता है, कुछ लाल भूरी और बैंगनी बिंदियाँ होती है, यानी कि बुलबुल है दो अंडे देती है, गुलाबी रंग के अंडे देती है और उसमें लाल भूरी और बैंगनी कलर की बिंदियाँ होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बुलबुल, आपको तीनों के तीनों बुलबुल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर कलगी वाले बुलबुल, देखिए इसमें बुलबुल कलगी नहीं, इसको इसको इन दोनों को सिपाही बुलबुल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने देखा बुलबुल के बारे में, देखिए फिर से एक बार, बुलबुल को पहचानना का सरल तरीका है कि उसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, लाल होती है, उसके बाद उसका सिरा होता है पूंछ का वो सफ़ेद होता है उड़ते हैं तब, बाकी शरीर भूरा और सर काला होता है, बुलबुल की आवाज़ ऊंची होती है, अगर जो काले रंग की उसको कलगी हो, जैसे यहाँ पे काले रंग की कलगी है तो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। आगे बुलबुल है वो पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े खाती है, सब्जी खाती है, अमरूद और जो मटर है उसको ज़्यादा पसंद है, अपना घोंसला सूखी घास पर वो बनाती है और पतली जड़ों से बुनती है, जैसे कटोरे जैसा ऐसा घोंसला बनाती है। बुलबुल एक बार में तीन अंडे देती है, दो या तीन अंडे देती है, उनका रंग हल्का गुलाबी होता है, उन पर लाल भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ होती है। तो ऐसा हमने बुलबुल के बारे में देखा। अभी आगे देखते हैं पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो फ्रेंड्स इसमें ये बुलबुल है, ये गिलहरी है और ये कबूतर है। चलिए आगे, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? हाँ फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चला कि ये बुलबुल है? तो मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ से, जो उसकी पूंछ है आप देखिए, उसकी पूंछ से पहचाना, जो उसकी पूंछ है हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक तो होता है, क्या होता है, मोर होता है, मोर के ऊपर कलगी होती है वो नीले रंग की, गहरा नीला रंग होता है। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, मुर्गी होती है, मुर्गा होता है, सॉरी मुर्गा, उसके ऊपर जो कलगी होती है वो लाल रंग की होती है। देखिए पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिया था दोनों का। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, इनमें से कोई तीन बातें लिखो। तो फ्रेंड्स कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कलगी लगी होती है तो वो सिपाही जैसा काम करती होगी, इसलिए। पाठ में बुलबुल के बारे में तीन बातें लिखनी है तो हमें लिखना है कि बुलबुल की आवाज, बुलबुल की आवाज ऊंची है या ऊंचा बोलती है, उसके बाद दूसरा उसका शरीर भूरे रंग का और सिर काले रंग का है, ठीक है। फिर बुलबुल का घोंसला, बुलबुल अपना घोंसला, जो बुलबुल अपना घोंसला बनाती है फ्रेंड्स वो कैसे बनाती है, घास और छोटे पत्तों से, यानी कटोरे जैसा लगता है बुलबुल का घोंसला। उसके बाद बुलबुल को अमरूद और मटर बहुत पसंद है। आगे बुलबुल और तुम, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो हमारा घर सीमेंट पत्थर रेत आदि से बना हुआ है। बुलबुल को क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या पसंद है? तो बुलबुल को अमरूद मटर कीड़े सब्जी वो सब पसंद करते हैं। अगर आपको क्या पसंद है वो आपको लिखना है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, कब कब? सो मम्मी पापा बड़े भैया बड़े बहन, जब हम शरारत करते हैं तब। नाम और कब कब, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे नाम तो के मम्मी तो के शरारत करते हैं तब, पापा तो होमवर्क नहीं करते तब, बड़े भाई तो खेल में होते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना
गाती हो। तो फ्रेंड्स काली और मीठा गाना कौन गाती है, तो कोयल, कोयल। उसके बाद मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ, तो वो कौन होगा फ्रेंड्स, तोता, तोता है। उसके बाद सूप जैसे कान है मोटे मोटे पांव है लंबे लंबे दांत है, तो हाथी। उसके बाद सिर पर ताज है हाँ, दुम पर पैसा है बादल देखकर नाचता हूं, तो मोर। घर में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं, चूहा। चलिए आगे कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो, तुम अपनी सहेलियां या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किसी एक बुलबुल या किसी दूसरे पक्षी के बारे में कविता लिखनी है, तो ये आप की यहाँ से ढूंढ कर यहाँ पे कविता लिख लीजिएगा। चलिए एक नाम, बुलबुल तोता चिड़िया कबूतर पक्षी कहलाते हैं। फ्रेंड्स जो बुलबुल है, तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, उसे क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं। नीचे लिखे लिखी चीजों को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हमें नीचे यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसे क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला है हमारा गोभी, आलू, भिंडी, तो इसे कहते हैं सब्जी। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सब्जी कहते हैं। उसके बाद संतरा, केला, तो उसे फल कहते हैं, फल। उसके बाद गाय, हाथी, कुत्ता, तो उसे जानवर। उसके बाद मूंग, चना, अरहर, उसे दाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में आपको यहाँ पे हाथी, यहाँ पे गाय, कुत्ता, जो फ्रूट्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए सो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।